अरे ये आवाज जंगल में कहाँ से आ रही है? चलो चलकर देखता हूँ, लगता है मेरे इलाके में कोई घुस बैठ गया आ गया है, उसे मैं भगाता हूँ। अरे ओ देसी सांड, कहाँ से आया है तू? मेरे इलाके में तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? अरे चाचा, मेरा नाम कालू सांड है, मैं बहुत बुरी तरह से मारता हूँ। तुझे मुझसे टक्कर लेनी है क्या? बताओ तुझे मैं तो यही रहूँगा, कर ले तूने जो करना है। अरे माँ कसम, मुझे गुस्सा ना चढ़ा कालू सांड, नहीं तो मैं तुझे पटक पटक कर मारूंगा। अरे तुझे मैं अभी बताता हूँ। आऊँ क्या? बताऊ तुझे? आ रहा हूँ, फिर बच मुझसे। आ गया मजा, और लेगा मुझसे पंगे। अभी भी वक्त है, ये इलाका छोड़कर तू चला जा, नहीं तो मैं तेरी खूब पिटाई करूंगा। अरे बहुत जोर से मारा, अरे भगवान, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। लगता है मुझे ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। अरे बहुत मारा मुझे, अरे मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा, देखो अब तो मेरी आवाज भी नहीं निकल रही है दर्द के मारे। ओ नो, अब मैं क्या करूंगा? अरे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आवाज ही नहीं निकल रही, बड़ी जोर से मारा मुझे। इसका जंगल को छोड़ के जाने में ही भलाई है, चलो निकल जाता हूँ मैं यहाँ से। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर शेर आ जाता है। अरे मेरा शिकार, आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगा इसे। कितना हट्टा कट्टा है, इससे चला भी नहीं जा रहा, मुझे शिकार करने में आसानी होगी। सांड शेर को देखकर भागने लग जाता है। अरे बचाओ, अरे शेर ने खा लिया मुझे, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, हे भगवान। शेर सांड को मार देता है और उसे खा जाता है। अरे इस जंगल में तो खाने को बहुत है, अब कोई और शिकार ढूंढता हूँ, आज तो मजा आ गया। ये अब बारी सफेद सांड की थी। सफेद सांड समझ गया था कि अगर हम दोनों सांड मिलकर रहते तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का हल निकाल सकते थे, लेकिन अब सांड कब तक बचता? शेर ने व्हाइट वाले सांड का भी शिकार कर लिया और उसे मार दिया। तो प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा एक साथ रहना चाहिए, उससे हमारी ताकत भी बढ़ती है और कोई दुश्मन हमारे ऊपर हमला भी नहीं करता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी यह सांड वाली स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।